जानमाज अरेंज करवाने के लिए थैंक यू। प्लीज मुझे बताइए कि तुम्हारी और आसिफ की जो मैरिज थी वो लव मैरिज थी या अरेंज? लव। हम कॉलेज में मिले थे, मैं MBBS कर रही थी और वो साइकोलॉजी। मूवीज, गाने, पेरेंट्स, सोसाइटी, बचपन से ही हम लड़कियों को कंडीशन कर दिया जाता है ना। स्टॉकिंग मतलब वो आप में इंटरेस्ट दिखा रहा है, कंट्रोलिंग मतलब वो आपके बारे में बहुत प्रोटेक्टिव हो रहा है, फिजिकल अब्यूज मतलब वो आपसे इतना प्यार करता है कि वो अपनी रेज कंट्रोल ही नहीं कर सकता। जब तक हम रियलाइज करते हैं हमारा ये स्वीट प्रोटेक्टिव लविंग बॉयफ्रेंड एक अब्यूजिव हस्बैंड बन जाता है। काफी टाइम तक हमें फील कराया गया कि हम गलत हैं, फिर बस एक दिन गुब्बारा फट गया और हमने रियलाइज किया कि एक्चुअली हम कभी गलत थे ही नहीं। कोई अफेयर? अब आप हमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए अक्यूज कर रहे हैं। डॉक्टर रहीमा, तुम्हारे हस्बैंड का भी तो हो सकता था, तुमने अपने हाथ पे क्यों लिया? सॉरी, वो घर पे अक्यूज होने की आदत हो गई है। तो आसिफ का कोई अफेयर नहीं? अच्छा, एक बात बताना कि तुम्हारे और वो डॉक्टर सारा के बीच में लड़ाई हुई, वो किसकी वजह से हुआ? बीपी काफी हाई जा रहा है, मेरा डायबिटीज भी नीचे नहीं जा रहा है। न्यूट्रिशनिस्ट का डाइट फॉलो नहीं करेंगे तो कैसे जाएगा? सारे रूल्स फॉलो करना भी तो जरूरी है ना। रूल्स तो सभी को फॉलो करने चाहिए ना। टॉन था, समझ आया। क्यों था तो समझा दे। डॉक्टर राइमो, हंगा क्या है बॉस? आपको लगता है MBBS में 4 साल की स्ट्रगल्स अपने इसलिए किए ना ताकि आपसे पंगे ले पाए? मेबी। मजा आता है आपको? कभी कभी काफी। तो आप एडमिट कर रही हैं कि विक और कार्तिक की फ्रेंडशिप आपके पंगों की वजह से खराब हुई है? देख बहन, डेमोक्रेसी है, तेरे अब्बा जान का रेडियो चैनल नहीं है, लिमिट में रहे। आप भी लिमिट में रहे। जब हम OT में असिस्ट कर रहे थे तो किसकी परमिशन से आपने हमारे हस्बैंड का फोन आंसर किया? तेरा फोन कॉन्स्टेंटली बस कर रहा था, कुछ उर्दू में लिखा हुआ था, सो आई वाज जस्ट क्यूरियस, दैट्स अबाउट इट। हमारे हस्बैंड का फोन आंसर करने का आपको कोई हक नहीं है। रियलाइज ना, तो इनसिक्योर हो रही है। ओह नो, वेट, यू आर जेलस। तुझे क्या गाली देनी है? गाली देने से बात खत्म नहीं हो जाती। मुझे ना तेरी गाली पत्ती से सुनने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। तू इनसिक्योर हो रही है, तेरी प्रॉब्लम। क्यों हो रही है? तू खुद फिगर आउट कर लेना। सर, डॉक्टर चित्रा आपसे बात करने रेडी है। क्या आपको रिया चतुर्वेदी स्कैंडल केस याद है? उस वक्त भी जब मैं KMRC में इन्वेस्टिगेट करने आया था तब भी आप 5 इंटर्न्स में से एक इंटर्न ने मुझसे झूठ बोला था। रिया हैज बिकम अ पार्ट ऑफ माय लाइफ। सरप्राइजिंगली इंटरोगेशन रहीमा का हो रहा था लेकिन क्वेश्चंस वर रिलेटेड टू मी। डॉक्टर विक्रमजीत, क्या ख्याल है आपका उसके बारे में? तुम अच्छे से जानती हो कि कुछ महीने पहले एक ड्रग पेडलर को कवर करने की कोशिश की थी जिसके बारे में मैंने डॉक्टर चित्रा को इंटरोगेट किया था। I'm really sorry, just a busy day. Can I please जल्दी खत्म कर सकते हैं? अच्छा, आपकी जो पेशेंट रिया है उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना था। वेल, मैं आपको तभी दे सकती हूँ जब रिया स्टेटमेंट देने के लिए मेंटली फिट होगी। ऑनेस्टली, पार्टी में ड्रग सप्लाई कर रही थी और ये बात आपके इंटर्न्स को भी पता थी। पॉइंट ये है, जितना आप समझते हो उससे ज्यादा मेंटली स्ट्रांग है ये रिया। देखिए इंस्पेक्टर तवेश, आज डॉक्टर्स हमारा काम पेशेंट को ट्रीट करना है ना कि उन्हें जज करना है। एंड मेरी प्रोग्नोसिस यही कहती है कि रिया को अभी किसी भी टाइप का मेंटल स्ट्रेस और बीमार कर सकता है। आई एम रियली सॉरी, विल हैव टू वेट। अच्छा, रिया नहीं तो विक्रमजीत से तो बात कर सकता हूँ। आपको तो पता है डॉक्टर विक्रमजीत ने हमसे क्रूशियल इन्फॉर्मेशन छुपा के रखी। काफी सीरियस एलिगेशन लगा रहे हैं मेरे इंटर्न डॉक्टर पे। बाय द वे, क्या लगा रहा हूँ? एलिगेशन। आपकी जो रिया है ना उसके पास से हमें ड्रग्स के पाउचेस मिले और हमारी भाषा में उसे सबूत कहते हैं और ये सबूत आपके डॉक्टर विक्रमजीत ने हमसे छिपाई। बाद में आपको मिल गए थे राइट? 2 दिन बाद, वो भी पर्सनल पूछताछ के बाद। देखिए इंस्पेक्टर तविश, विक्रमजीत एक डॉक्टर है, हो सकता है कि अपने ट्रीटमेंट में इतना बिजी हो कि ये सब इन्फॉर्मेशन देना भूल गए। एंड आई लेट यू नो व्हेन रिया इज रेडी टू गिव हर सीट। पानी, ड्रिंकिंग वाटर? या प्लीज, चाय मंगाओ। नेक्स्ट टाइम। नाश्ता? उसके बाद। थैंक यू। प्लेजर। ऑल द बेस्ट। प्लीज सर, टेल डॉक्टर विक्रमजीत आई नीड टू सी हिम राइट नाउ। मैम, पेशेंट रिया इज कोडिंग।
पेशेंट रिया? उन्हें ओटी लेकर गए मेरे बिना। अभी यार रिया मेरी पेशेंट है, ओटी में डॉक्टर राणा के साथ कौन है? मैं वहां नहीं था, क्या हुआ? मुझे बताया भी नहीं यार, ऐसा कैसे यार? शायद सारा होगी। क्या सारा? सब रिया मेरी पेशेंट है, प्लीज गिव मी एन अपॉर्चुनिटी टू असिस्ट यू इन द ओटी। डॉक्टर विक्रमजीत, यू आर नॉट इन द राइट फ्रेम ऑफ माइंड, प्लीज जाइए यहां से। सर लेकिन ऐसा प्लीज लीव। राइट रहीमा, बड़ी लीड सारा, अपने माइंड और बॉडी गेम्स खेलकर हड़प रही है सारे केसेस। रो विक, यू आर बीइंग ऑफेंसिव। ऑफेंसिव? वो शॉर्टकट्स ले रही है एंड यू आर कॉलिंग मी ऑफेंसिव? दिखाता हूँ उस साली को ऑफेंस का असली मतलब। कंप्लेंट करूंगा मैं ऑफिशियली और फिर भिगो भिगो के चपेड़ों वाले एक्यूजेशंस मारूंगे मैं उसको। विक क्या हुआ? वेरी प्रोफेशनल ऑफ यू ना डॉक्टर विक्रमजीत, एंड आपने तो वुमेन टू वुमेन काफी सपोर्ट दिखाया, थैंक्स। हां और तुझे क्यों लगा कि मैं वहां ओटी में हूं? थैंक यू अगेन। लेकिन एक मिनट, अगर तुम यहां हो तो फिर डॉक्टर राणा को असिस्ट कौन कर रहा है? लुक अराउंड, कौन मिसिंग है हम में से? हां कार्तिक कार, व्हाट आर यू डूइंग हियर? कार्तिक डॉक्टर राणा को असिस्ट कर रहा है। आई नीड टू बी इनसाइड, रिया मेरी पेशेंट। आई नो, आप जानती थी कि कार्तिक असिस्ट करने वाला है? डॉक्टर विक्रमजीत, क्या हम प्लीज उस ऑपरेशन बात कर सकते हैं? बड़ा कड़वा पिल है ना नेपोटिज्म, एशियन थ्योरी। ट्रीट कौन कर रहा है? तेरा दोस्त, तेरा तो बड़े भाई वाला था ना उससे। सो शाम जैसे कोटा वालों को क्या लगता होगा? अच्छा उससे में टेंपोरल नर्व्स डैमेज हो जाएंगे। वेलकम टू माय वर्ल्ड आई गेस, इट काफी रियल है। और यहां से शुरू हुआ मेरे और मेरे ब्रोस्की का मजबूत जोड़ का क्रैक होना। यू नो मे बी आई एम रबिंग इन, बट इस टाइम तू क्या करेगा? सिचुएशन को अपने लेने देगा या उल्टा सिचुएशन? जो भी करना है मैं करूंगा, समझी? बैकग्राउंड से ना जहर ना हो। कार्तिक तेरे टच में आया है ना, दिमाग खराब हो गया उसका। फकिंग नागिन। सारा, सारा, बस दो मिनट बात करनी है आपसे। हम आपकी विशेष को कोई फक्स नहीं देना चाहते। मुझे तुझ जैसी इनसिक्योर बंदी से कोई बात नहीं करनी। All this happened because I answered your husband's call, na? You took the liberty of accusing me ki Vic ka case maine churaya hoga. Matlab colleague se seedha dushman. Why? Because I answered your husband's call. You know, un dono mentally sick shoots ka na, mujhe characterless brand karna is fine. But you? Madam, she for she expect nahi kar rahi thi main. The colleague ka na basic level of respect hota. Girl power ka na hashtag tum online. Jab actually bari aati hai to kya karti ho? Judgmental ho jaati ho. Very convenient, no? Ladkiyan opinionated ho, friendly ho, extroverted ho. Master. लड़की करे तो क्या, स्लट। सारा अभी आपने जो कुछ भी कहा, आई अग्री विद ऑल ऑफ इट, बट जस्ट लिसन टू मी। आई एम नॉट फकिंग इंटरेस्टेड इन योर हस्बैंड, ओके? हाँ भैंचोट, सुन लिया हमने। सबसे पहले तो आई एम सॉरी। सॉरी नहीं करती तुझे। विक के सामने हमें आपको सपोर्ट करना चाहिए था, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। लेकिन जो उसके पहले हमारी कॉल की बात हुई थी, उसके लिए आई एम रियली नॉट सॉरी। सारा, प्रॉब्लम आप में नहीं है, प्रॉब्लम हमारे हस्बैंड में है। व्हाट डू यू इवन मीन? सारा, जिस चीप और सिक मेंटालिटी की आप बात कर रहे हैं ना, हमारे हस्बैंड उसके पोस्टर बॉय हैं। उनके लिए स्मॉल टॉक करने वाली लड़कियां ईजी होती है और सिग्नल देने वाली लड़कियां लूज कैरेक्टर्स। तो प्लीज अगली बार हमारा फोन आंसर मत करना, क्योंकि हमारे कलीग्स के बारे में कोई बुरा बोले हमें अच्छा नहीं लगेगा। और ये सब तो मुझे सुबह नहीं बता सकती थी। अगर वो इतना टॉक्सिक है तो जस्ट डिवोर्स हिम। Not like I'm gonna meet him. I hope कि आप उन्हें कभी ना मिले। एक नॉन डॉक्टर एडवाइस दूं, ग्रास जिस साइड भी ग्रीन लगे उसको रोल बना के फूंक लो बिफोर लाइफ कोई अनप्रिडिक्टेबल ट्विस्ट फेंके। आसिफ, रहीमा का हस्बैंड और हम सब का अनप्रिडिक्टेबल ट्विस्ट।
नहीं पता था कि इन द फ्यूचर वी वुड ऑल बी फक्ड। आफरीन जान, पता कितना मिस किया मैंने तुम्हें आज, तुमने भी मिस किया ना मुझे। सिर्फ हमें हॉट हो रहा है, प्लीज हमें हॉट हो रहा। जब आपके लिए भी तरसाओगी क्या? एक हस्बैंड अपनी वाइफ से सिंपली पूछ रहा है कि उसने उसको मिस किया या नहीं किया, किया या नहीं किया। हाँ। किया ना? हाँ? मैंने भी बहुत ज्यादा। आसिफ, आसिफ, हम पार्किंग लॉट में हैं, हॉस्पिटल में हैं, कोई। अरे लेट नाइट है रहीमा यार, हार्डली कोई कार्स है यहाँ पे। प्लीज प्लीज समझिए किसी। साली प्रॉब्लम क्या है तेरी? हाँ सॉरी यार, पता नहीं क्या कंट्रोल है तुम्हारा मुझ पे। जस्ट ब्रिंग आउट द एक्सट्रीम इन मी यार, तेरी एक्सट्रीम इमोशंस ना मुझे एक्साइट कर देती हैं। प्लीज गो। क्यों? कॉलेज के टाइम पे तो बड़ी एक्सपेरिमेंटल होती थी तुम। सिर्फ अब हम कॉलेज में नहीं है, यहाँ पे हमारी रेपुटेशन। एवरी फकिंग टाइम मैं कुछ करने जाता हूँ, यू गेट ऑल चाइल्ड कॉय विद मी यार। खुश नहीं रख सकती ना तुम मुझे? हाँ आसिफ, आपको खुश रखना हमारी ड्यूटी है, लेकिन आपकी वाइफ, आपकी वाइफ की ऑनर में आपकी भी तो आइडेंटिटी इन्वॉल्व है ना। प्लीज आज तो तुम बातों में जीत गए, लेकिन डॉक्टर रहीमा याद रखना आज रात को तुम्हें इमरजेंसी केस हैंडल करना है। गॉट इट? चलो जाओ जाओ। तो आसिफ इज नो मोर, पर सोचता हूं अगर आसिफ को रहीमा ने टाइम पर छोड़ दिया होता तो ना ही वो अपनी टॉक्सिक लेवल स्प्रेड कर पाता और ना ही हम आज इस लेवल पे होते। देखो डॉक्टर रहीमा, मैंने अभी अभी सिगरेट छोड़ी है, तुम मेरे पेशेंट्स का टेस्ट कर रही हो। प्लीज हनी, तुम्हें वाटर रिटेंशन है क्या? वाटर रिटेंशन नहीं है। थैंक यू सो मच डॉक्टर रहीमा ये बताने के लिए कि बार बार पानी पीने का मतलब ये नहीं कि वाटर रिटेंशन है, बल्कि इट्स अ साइन ऑफ नर्वसनेस। आई नो मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, ह्यूमन बॉडी को नहीं समझ सकता, लेकिन ह्यूमन साइकोलॉजी को बहुत अच्छी तरीके से समझता हूँ। इट्स हाई टाइम डॉक्टर रहीमा तुम भी समझ जाओ, तुम्हारे नेबर्स, तुम्हारी मदर इन लॉ सब तुम्हारे साथ है, दे आर रेडी टू गिव द टेस्टिमनी कि आसिफ एक बुरा इंसान था। और चुपचाप बता दो ना आसिफ के मर्डर में तुमने क्या कैसे हुआ है। और आप क्या मर्डर मर्डर कहते जा रहे हैं? हमारे हस्बैंड सिर्फ मिसिंग है, उनका मर्डर नहीं हुआ है। हाँ बोल, आर यू श्योर? Guys, बोल लग गए। बोल बैठ चुके हो। वो आसिफ की बॉडी मिली। What the fuck? I can't believe it. देखो पसीना आना बहुत नॉर्मल है। After all, it's your husband's body जो हमें मिल चुकी है। पकड़े जाएंगे ना हम लोग। तू रहने का फायदा ही नहीं है ना। चुप सा, मुझे फिकर करने दो। केएमआरसी के मैनेजमेंट को पता चल चुका है, मुझे एडमिन से न्यूज मिली थी। ओके कुछ फायदा नहीं है। गाइस न्यूज मीडिया सब जगह देखो देखो देखो
दिल्ली के फेमस KMRC हॉस्पिटल के मिसिंग पेशेंट केस ने एक बहुत ही शॉकिंग टर्न ले लिया है। पेशेंट आसिफ मंसूरी की बॉडी आज मिस्टीरियस कंडीशन में पाई गई है। सोर्सेज के अकॉर्डिंग अब ये केस मिसिंग पेशेंट का नहीं बल्कि एक मर्डर केस बन चुका है। दिल्ली पुलिस इस मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन जल्द से जल्द शुरू करने वाली है। बाकी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए।